सन्मान्य गणेश नाईक साहब, इनका तजुर्बा, उनका पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मैं उनके अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अरवली विधानसभा के मतदार राजा इस बार यहाँ पे कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं कि हर बार वही 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 चेहरा हमें नहीं देखना है। जिन्होंने 25 साल 35 साल नई मुंबई में राज किया है, और एक ऐसा काम दिखा दीजिए कि हमने ये जनता के लिए काम किया हुआ है। हमें कोई यहाँ पे चुनौती नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इलेक्शन यहाँ पे लड़ेंगे और जीतेंगे। जनता के दिल में है कि हम अरवली विधानसभा में चेंजिंग करके यहाँ पे एमके मौर्य को काम करने का मौका देंगे। विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, महाविकास आघाड़ी और महायुति ने अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नज़र टिकी हुई थी वो मुंबई की दो विधानसभा सीटों पर टिकी हुई थी। इस वक्त ऐरोली विधानसभा सीट महाविकास आघाड़ी को मिली है, और शिवसेना उबाठा यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के अधिकृत कैंडिडेट के तौर पर वरिष्ठ नगर सेवक एम के मड़वी साहब का नाम घोषित कर दिया गया। इस वक्त मड़वी साहब स्वयं हमारे साथ हैं, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये जो अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कितनी बड़ी है, किस तरह से वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, क्या खास मुद्दे हैं। मड़वी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सर कितनी खुशी हो रही है। जय महाराष्ट्र। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है हमारे वंदनीय हिंदुहृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का आशीर्वाद, आदरणीय हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब और हमारे युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे साहब, हमारे नेता राजन जी विचारे साहब, इनके आशीर्वाद के माध्यम से हमारे महाविकास आघाड़ी के आदरणीय शरदचंद्र जी पवार साहब, हमारे महाविकास आघाड़ी के आदरणीय सोनिया जी गांधी मैडम, इनके माध्यम से महाविकास आघाड़ी के माध्यम से मुझे ये आज विधानसभा की उम्मीदवारी मिली है। मैं मेरा परिवार और परिवार के अलावा सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होगा वो हमारे अरवली विधानसभा की पूरी जनता मतदार राजा बहुत खुश है। महाविकास आघाड़ी में बहुत सारे घटक दल हैं, आपके शिवसेना उबाठा है, कांग्रेस है, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, और उसके साथ साथ कई आनुषंगिक दल भी शामिल हैं। किस तरह से इनका समन्वय आप साधेंगे ताकि इसका जो जनाधार है वो आपके साथ जुड़ सके? कौन से भी क्षेत्र में अगर दो कॉम्पिटिटिव होते हैं, तीन कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो उसके अंदर तीन भी कॉम्पिटिटिव एक भी कॉम्पिटिटिव होते हैं, उसमें से एक ही कॉम्पिटिटिव को वहाँ पे उम्मीदवारी मिलती है। मुझे पूरा भरोसा है, परसों 28 तारीख सोमवार के दिन हम हमारा इलेक्शन का पर्चा भरने जा रहे हैं। मॉर्निंग 10:30 to 10:45 के वक्त सभी हमारे महाविकास आघाड़ी और हमारे सभी जो महाविकास आघाड़ी के साथ में जो दल है उसके साथ में हमारे शिवसेना और विधानसभा के जिला प्रमुख, हमारे मित्र, हमारे वर्ग मित्र आदरणीय दुर्गनाथ जी भोईर साहब, उसी तरह महाविकास आघाड़ी से जो हमारे रिलेटिव्स है अनिकेत जी म्हात्रे, महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के युवा वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी हम लोग साथ में हाथ में हाथ डालकर इलेक्शन का हम पर्चा भरने के लिए आपको सब नज़र आ जाएंगे। तो वरिष्ठ सब इकट्ठा बैठ के सब इकट्ठा के हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य में अरवली विधानसभा में 100% यहाँ पे विजय महाविकास आघाड़ी का ही हुई। आपने द्वारकानाथ भोईर जी का नाम लिया कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन उन्होंने जो सोशल मीडिया पर डाला है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो काफ़ी नाराज़ हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को उन्होंने अपना पक्ष प्रमुख को अपना इस्तीफा दे दिया है, किस तरह से आप उन्हें मनाएंगे, क्या कहना है आपका, कोई बातचीत आपकी हुई है? जिस दिन मुझे इस्तीफा मिला उस दिन भी हम उनके घर पर बैठे, दूसरे दिन ही घर पर बैठे और अच्छी तरह से बातचीत हो गई। उन्होंने जो उनके अंडर में जो शहर प्रमुख है, उपजिला प्रमुख है, सभी को काम करने के लिए बोल दिया हुआ है, तो उसमें मुझे पूरा विश्वास है कोई वहाँ पे मन मुटाव नहीं है, हम सब साथ में रह के काम करने वाले हैं। 28 तारीख को हमारे पर्चा भरने के लिए साथ में रहेंगे, तो हम लोग सब
मिलकर काम करते हैं, काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे और कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अगर विपक्ष में देखा तो एक मजबूत नेता है गणेश नाइक साहब, तो उनके खिलाफ किस तरह के मुद्दे आप सामने लेकर मैदान में उतरेंगे? हमारे मुद्दे ये है अरवली विधानसभा के कि हम पहला यहाँ पे जो 25 साल में 30 साल में जो काम नहीं हुआ है वो काम यहाँ पे हम लोग करके दिखाएंगे। उसमें से काम देखा जाए तो युवकों के लिए कितने साल से घनसोली में सेक्टर 12 में 72 एकर्स का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए करके किन लोगों ने वहाँ पे व्यक्ति लेके आया, तो वो पहला यहाँ के यंग जनरेशन के लिए वो स्पोर्ट्स क्लब बनाना है। उसके अलावा आने वाले भविष्य में रीडेवलपमेंट शुरू है, बिल्कुल, और रीडेवलपमेंट में इतना पॉपुलेशन बढ़ने वाला है कि वहाँ पे पानी की भविष्य में दिक्कत आ सकती है, तो पानी की दिक्कत दूर करने के लिए महाराष्ट्र शासन के माध्यम से हमारी सत्ता आएगी। उसमें कोई दोहराई नहीं, महाविकास आघाड़ी की सत्ता आएगी उसमें कोई दोहराई नहीं। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स आने वाला है जो पानी का, वो पानी का प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम महाराष्ट्र शासन के माध्यम से नई मुंबई के लिए नया डैम वहाँ पे परचेस करेंगे और नई मुंबई को पानी का राह देंगे। तीसरा मुद्दा रहा यहाँ पे शहरी विभाग के लिए, हमारा झोपड़पट्टी विभाग है, इन लोगों को राहत देने के लिए जो झोपड़पट्टी विभाग है उनको परमानेंट करना, उनको वहाँ पे अच्छे तरीके से मकान देना, और मकान के साथ में जो गोर गरीब जनता है उनको महाराष्ट्र शासन के माध्यम से उनको जो महाराष्ट्र शासन की योजना है वो योजना वहाँ तक उनको पहुँचाना है। और रही बात शहरी भाग, झोपड़पट्टी भाग, और रही बात हमारी भूमिपुत्रों की, सबसे बड़ा हमारा भूमिपुत्र का जो प्रॉब्लम्स है, गए 30-35 साल में नई मुंबई में जिन्होंने सत्ता हासिल की है उन्होंने हमारे भूमिपुत्रों के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ है। जो हमारे बाप दादा के मकान थे, जो हमारे हमने भूमिपुत्रों ने हमारे जरूरत के लिए जो मकान बनाए वो कायम वहाँ पे बनाने के लिए मेरा वहाँ पे महाराष्ट्र शासन के माध्यम से ये भूमिपुत्रों का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है, जो दिक्कत है, वो हम वहाँ पे 100% हमारे भूमिपुत्रों को न्याय देंगे। और न्याय देना मेरा फर्ज है क्योंकि मैं भी भूमिपुत्र हूँ। भूमिपुत्र होने के बावजूद भी गए 25 साल में मुझे शहरी लोगों ने अरवली में मुझे, मेरे मिसेस, मेरा लड़का, हम तीनों को गए 25 साल से यहाँ पे नगर सेवक चुन के लेके आते हैं। तो मेरा फर्ज है मेरा भूमिपुत्रों को न्याय देना, शहरी लोगों को न्याय देना, उसके अलावा जो हमारे गोर गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी वहाँ पे न्याय देने के लिए मुझे इस बार पूरा भरोसा है, मैं न्याय दूंगा। मेरा बेटा युवक है, बी सिविल इंजीनियर है, उनके माध्यम से हमारे अरवली विभाग के लिए अरवली विधानसभा में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी यहाँ पे अरवली में एक 13,962 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, वहाँ पे युवकों के लिए स्विमिंग जो अध्यावत जो सुविधा रहेगा वो इंडोर गेम स्टेडियम वहाँ पे बना के देना है। उसके अलावा हमने बहुत प्रयास करके इतना प्रयास किया कि सामने जो सत्ताधारी थे उन्होंने वो काम भी बंद कर दिया 7 साल, जो हमारे अरवली विधानसभा के लोगों को अपेक्षित है। नाट्यगृह 2014 में उसका भूमि पूजन किया था, 2014 में भूमि पूजन सत्ताधारियों के माध्यम से मैंने मिसेस नगर से उक्त की थी। जब भी मैं 2015 में शिवसेना में गया तो इमीजिएटली वो काम बंद किया हुआ था। 2014 से 2022 तक 21 तक वो काम बंद था। कॉरपोरेशन से सत्ता जाने के बाद में उनको उद्धव जी ठाकरे साहब के माध्यम से, आदित्य ठाकरे साहब के माध्यम से, राजेंद्र चौधरी साहब के माध्यम से हमने वो ऑडिटोरियम का काम शुरू किया और आने वाले कई महीनों में हमारे यहाँ के लोगों को वो ऑडिटोरियम भी वहाँ पे देना है, शुरू करना है, क्योंकि हमारे अरवली विधानसभा में रहने वाले लोगों को एक तो वासी जाना पड़ता है,
एक तो थाना जाना पड़ता है, एक तो भांडुप जाना पड़ता है। तो हमारे अरवली विधानसभा में ये सब सुविधा होना चाहिए करके वो ही प्रयास हमने किया और वो प्रयास के माध्यम से लोगों को राहत देनी है। जनता किस तरह से साथ आपका दे रही है आपकी आपके नाम की घोषणा के बाद? बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है और हर एक आदमी फोन कर मिलकर बोल रहे कि हम गए 15 साल से राह देख रहे थे कि एमके मणि साहब को विधानसभा का टिकट कब तक मिलेगा। हर बार 15 साल से हमारे अरवली विधानसभा की जनता भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान हमारे एमके मणि को आमदार की का टिकट मिलना चाहिए, हम उनको आमदार बनाएंगे। तो बहुत अच्छा तरह से यहाँ पे रिस्पॉन्स है और मुझे पूरा विश्वास है कि अरवली विधानसभा के मतदार राजा इस बार मुझे आमदार बना के बिना चुपचाप नहीं बैठेगी। आखिरी सवाल सर, जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? महाविकास आघाड़ी की जीत होगी इसको लेकर कितना विश्वास है, कितना आश्वस्त हैं? मैं 100% यहाँ पे सोचता हूँ कि मुझे चुनकी ही देगी, क्योंकि लोग थक गए हैं एक ही चेहरा देख के, एक ही परिवार का चेहरा देख के लोग थक गए हैं। लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं, नई उम्मीद देखना चाहते हैं, नए काम देखना चाहते हैं। आप मीडिया के माध्यम से आप देख लीजिए, नई बॉम्बे के लिए, जनता के लिए, भूमिपुत्रों के लिए, झोपड़पट्टी के लिए ऐसा सत्ताधारियों ने एक काम दिखाने दीजिए कि हमने ये काम किया। कॉरपोरेशन के माध्यम से काम जो हुआ है वो नगर सेवक का काम है, विधायक का जो काम है वो गटर मीटर ये सब नहीं है। तो विधायक के माध्यम से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो काम होनी चाहिए वो एक ऐसा जिन्होंने 35 साल 35 साल नई मुंबई में राज किया है वो एक ऐसा काम दिखा दीजिए कि हमने ये जनता के लिए काम किया हुआ है। तो जनता चाहती है कि कुछ नया चेहरे को यहाँ पे काम करने के लिए मौका दे और कुछ नई मुंबई का चेहरा मोरा चेंज होना चाहिए। इसलिए नई मुंबई की मतदार राजा पब्लिक राह देख रही है 20 तारीख की। कभी 20 तारीख मॉर्निंग होती है और मशाल का बटन दबा के बहुत भारी होतों से एमके मड़वी, उद्धव जी ठाकरे साहब, शरद चंद्र जी पवार साहब, सोनिया गांधी मैडम जी को मशाल 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 का बटन दबाकर एमके मड़वी को जिताने के लिए आतुर हुई है। मड़वी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। आप थे एमके मड़वी साहब जो ऐरोली विधानसभा सीट से शिवसेना उबाठा महाविकास आघाड़ी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। जैसा कि आपने खुद कहा कि 20 तारीख का जनता इंतजार कर रही है और अब देखना होगा कि जनता किस तरह से अपना फैसला सुनाती है और किसके सिर पर जीत का सेहरा पहनाती है। नमस्कार। नमस्ते। जय महाराष्ट्र। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।